तो क्राइम फ्री होगा हरियाणा। अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं, जहां एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने हिसार पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश सरकार की खूबियां गिनाते हुए कहा कि वो हरियाणा प्रदेश को क्राइम फ्री देखना चाहते हैं और इसको लेकर काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब मामले सामान्य हैं और ऐसे में लोगों को एहतियात भी बरतनी चाहिए। मैंने हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया, वो अलग से काम कर रहा है और सभी तरह के काम करेगा, एजुकेशन भी करेगा, प्रिवेंशन भी करेगा और जो ये नशे का कारोबार कर रहे हैं इनको खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेगा। सर, कोरोना के केस बढ़ने लगे तो आपकी प्रदेश में टीम कैसे काम करेगी? नहीं, हम पूरी नज़र रखे हुए हैं। देखिए, अब कल भी 350 के करीब थे कोरोना के केस, ये बहुत नॉर्मल है। इसमें लोगों को स्वयं से ही प्रोटेक्शन रखनी पड़ेगी। सर, फार्मेसी का एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है और इसमें वो प्रधान और एक दलाल भी गिरफ्तार हुआ है और प्रधान और बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी मैंने डिपार्टमेंटल जांच भी करवाई है और उसकी रिपोर्ट भी मेरे टेबल पर आ चुकी हुई है। जल्दी ही हम उसके मुताबिक भी कार्रवाई करेंगे। तो गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को आप सुन रहे थे। प्रदेश सरकार की खूबियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि वो हरियाणा प्रदेश को क्राइम फ्री देखना चाहते हैं और इसको लेकर काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि अब मामले सामान्य हैं और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतते रहना चाहिए। भले ही मामलों में कमी आ रही हो, लेकिन लापरवाही ऐसे में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी कुलदीप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, हालांकि यहां पर अनिल विज ने, गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा को क्राइम फ्री करने की बात कह तो दी है, लेकिन उसके लिए क्या योजना है उसके बारे में भी कोई जानकारी देते हुए नजर आए? कुलदीप, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, बिल्कुल। कुलदीप, निजी कार्यक्रम था जिसमें गृह मंत्री अनिल विज ने शिरकत की और इस दौरान हरियाणा को क्राइम फ्री बनाने की बात वो करते हुए नजर आए, क्या कुछ और कहा उन्होंने इस दौरान? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जो है हरियाणा को क्राइम फ्री बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इस बारे में जो लगातार जो है पुलिसिंग को जो है बिल्कुल आधुनिक तरीके से उनको पूरे सिस्टम प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा अनिल विज ने जो है ड्रग्स लाइसेंस को लेकर, जो मेडिकल लाइसेंस को लेकर रिश्वत का मामले सामने आए हैं, जहां जो है ड्रग काउंसिल के चेयरमैन पर आरोप लगे हैं, मुकदमा दर्ज हुआ है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसमें विभागीय जांच करवाई थी और जैसे ही रिपोर्ट आई है उस पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि विजिलेंस ने जो है जो ड्रग चेयरमैन थे, काउंसिल के चेयरमैन थे, उनको उन पर जो है मुकदमा दर्ज करते हुए एक दलाल को गिरफ्तार किया। हिसार से जो ड्रग काउंसिल के उप प्रधान थे सोहन कांतल, उनको भी विजिलेंस ने गिरफ्तार किया और जो है बाकी जो इस मामले में आरोपी हैं, जो रिश्वत का मामला है उसको लेकर जो है विजिलेंस द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। चलिए, तो ड्रग फ्री बनाना है हरियाणा को, ऐसा कहते हुए खुद गृह मंत्री नजर आए। बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए कुलदीप।